सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द स्पीड स्टडी एंड द स्टूडेंट हु इज न्यू वेट फ्यू मिनट्स एंड इफ दे लाइक देन सब्सक्राइब आवर चैनल। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ यूज ऑफ आफ्टर एंड यूज ऑफ बिफोर। मेनी स्टूडेंट्स something new we do today and today's topic is important idioms and phrases which are asked by previous years questions. So today I will discuss on topic use of after and use of before. It means when I use of after and when I use before. तो इसका मतलब दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कब use का कब after का प्रयोग करते हैं और कब before का प्रयोग करते हैं। You all know that the exam of Air Force and AFK both held on October. जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि AFK और Air Force दोनों का एग्जाम जो है वो अक्टूबर में होगा, निश्चित ही होगा दोस्तों। AFCAT की तो डेट आ गई है कि 3-4 अक्टूबर को होना है, वहीं अगर एयरफोर्स की बात करें दोस्तों तो एयरफोर्स का भी आ जाएगा, ये मान के चलिए कि अक्टूबर में ही एग्जाम होगा। अभी एयरफोर्स की डेट तो नहीं आई है लेकिन जहां तक मेरा मानना है दोस्तों कि अक्टूबर तक आपका एग्जाम होगा। तो सो आई विल टेक ए मैराथन क्लास फॉर यू in which we discuss important idioms and phrases, important one word substitutions and important antonyms synonyms. तो जो दोस्तों जो कि एग्जाम होने वाला है उसी के उपलक्ष में हम लोग महामैराथन क्लास लेकर आएंगे जिसमें जो है पूरा idioms and phrases, 100 idioms phrase, 100 one word और 100 antonym और 100 synonym हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इसलिए जो बच्चे नए हो वो कुछ देर रुकिएगा, देखिएगा वीडियो, अगर उन्हें अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगी हमारे वीडियो की दोस्तों। और एक बार जो है वन शेयर ऑल ऑफ यू दोस्तों, एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों, उसके बाद हम स्टार्ट द सेशन करते हैं दोस्तों। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। Many students think that what language we are used today. तो दोस्तों हम आज English पढ़ रहे हैं। English का मतलब हुआ दोस्तों हिंदी में भी और English में भी, क्योंकि दोस्तों आप जान लीजिए कि चाहे आप आर्मी लाइन में, चाहे आप जो भी लाइन चुने, चाहे नेवी चुने, चाहे SSR चुने, चाहे एयरफोर्स चुने, चाहे AFCAT चुने, चाहे CDS चुने, चाहे जो चुने दोस्तों, उसमें जो है आपको SSB पूछा जाता है और SSB के लिए आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। अभी मैं छोटी छोटी इंग्लिश बोलता हूं इसलिए बीच बीच में, ताकि आपको समझ में आए दोस्तों। जब आप समझने लगेंगे तो फ्लुएंटली इंग्लिश ही चलेगी दोस्तों, फ्लुएंटली इंग्लिश ही चलेगी, टोटल लैंग्वेज यूज इंग्लिश। तो सो वी अंडरस्टैंड एंड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी वांट टू से, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू ऑन द प्रिपरेशन ऑफ SSB बिकॉज यू ऑल नो दैट इन SSB वी यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। SSB में दोस्तों हमको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता करना पड़ता है। और अगर आप अभी से थोड़ी थोड़ी इंग्लिश, टूटी फूटी इंग्लिश अभी पढ़िए, आप हमारे साथ टूटी फूटी इंग्लिश आप पढ़िए, उसके बाद जब आप देखूंगा मैं कि यहां आप थोड़ा समझने लगे हैं आप, तो फिर हम और अच्छी इंग्लिश पर चलेंगे। फिर जब आप देखेंगे उसको आप समझ रहे तो और एडवांस लेवल तक हम आपको इंग्लिश में लेकर जाएंगे दोस्तों, चाहे आप बोलने पर ले चले और चाहे आप पढ़ने पर ले चले। तो पढ़ने वाला तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बोलने वाला भी धीरे धीरे समझ में आएगा। तो सो वंस कमेंट्स जय हिंद, वंस कमेंट्स जय हिंद एंड वी ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ एयरफोर्स नेवी SSR एंड इंडियन आर्मीज, वी ऑल आर ऑफिसर्स, वी ऑल आर ए सोल्जर्स एंड वी आर लवर ऑफ इंडियन, हम सभी भारत प्रेमी हैं। सो वंस कमेंट जय हिंद, वी सी दैट मेनी स्टूडेंट्स आर कमेंट, नील प्रताप, मानस, आकृत भदौरिया, विशाल, शेखर, नितेश, शुभम, किशन, अभी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो टुडे नाउ स्टार्ट द सेशन एंड वी डिस्कस
ऑन द टॉपिक। आज हम लोग पढ़ने चल रहे दो क्लास का अनुवाद करना। जी हां दोस्तों, पहले हम लोग पढ़ेंगे दो क्लास का अनुवाद करना। पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों दो क्लास का अनुवाद करना। और दोस्तों आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, स्टार्टिंग में थंबनेल में देखा होगा दोस्तों, लिखा हुआ है यूज ऑफ आफ्टर एंड यूज ऑफ बिफोर। और जो है आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर idioms एंड फ्रेजेस। तो आज हम लोग जो है पूरा idioms एंड फ्रेजेस का पार्ट वन डिस्कस करेंगे, जिसमें 25 से 30 idioms एंड फ्रेजेस रहेंगे दोस्तों, और इंपॉर्टेंट idioms एंड फ्रेजेस रहेंगे। और वहीं उसके पहले दोस्तों हम दो रूल पढ़ेंगे, अर्थात जिसमें आप यूज ऑफ आफ्टर और यूज ऑफ बिफोर पढ़ेंगे, या जिसको कह दीजिए आप क्लाज का, दो क्लाज का अनुवाद कैसे किया जाता है उसको पढ़ेंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि जो कार्य पहले हुआ रहेगा, जो कार्य पहले हुआ रहेगा, या फिर दोस्तों जो कार्य बाद में हुआ रहेगा या बाद में होगा। तो दोस्तों जो कार्य पहले होगा, विच वर्क हेल्ड आफ्टर द सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस में बाद में क्लाज यूज किया जाएगा उसका जो ट्रांसलेशन करते हैं दोस्तों वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और जो क्लाज पहले, अर्थात विच क्लाज इज यूज्ड बिफोर, जो क्लाज में कार्य जो हो पहले हुआ हो दोस्तों, वहां पर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अर्थात दोस्तों जो कार्य पहले हुआ रहेगा उसमें परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और जो कार्य बाद में रहेगा दोस्तों उसमें इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, और दोनों वही पास्ट, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल से। मेरे आने से पहले उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। जी हां दोस्तों, पहला वाक्य है मेरे आने से पहले उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। यही वाक्य है दोस्तों, देख लीजिए, लिखा है मेरे आने से पहले उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। तो करते क्या है दोस्तों, इसमें यूज करना है, अब मेरे आने से पहले उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, तो पहले आप ये देखिए कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। मतलब मेरे आने से पहले उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, अर्थात पहले उसने कार्य समाप्त किया था उसके बाद मैं आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, पहले कौन सा कार्य हुआ है, पहले कार्य समाप्त होने वाला काम हुआ है और उसके बाद आने का काम हुआ है। तो मैंने कहा दोस्तों जो कार्य पहले हुआ रहेगा उसे पास्ट परफेक्ट में प्रयोग करेंगे। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि ही माने उसने समाप्त कर लिया था, ही हैड डन हिज वर्क, ही हैड डन हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। अब देखिए क्या लिखा है, पहले लिखा है अर्थात बिफोर, उसके बाद मेरे आने से पहले बिफोर आई केम। ठीक, तो दोस्तों इसका अनुवाद किया कैसे रहेंगे, जब आपके क्वेश्चन में आपके एरर में दिया जाएगा दोस्तों तो वहां पर किया जाएगा आई विल हैव डन हिज वर्क बिफोर आई कम, इस तरह दिए रहेंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा, जब भी आपको बिफोर शब्द मिल जाए, आपको केवल यह देखना है कि बिफोर शब्द कहां पे है, और अगर बिफोर शब्द मिल जाएगा दोस्तों तो बिफोर का मतलब होता है दोस्तों पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, इसका मतलब दोस्तों इसके पहले जो होगा वो परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा, इसके पहले दोस्तों परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, और इसके बाद दोस्तों पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात इसके पहले परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और परफेक्ट में कौन सा परफेक्ट दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस, अर्थात ही हैड डन हिज वर्क, और इसके बाद दोस्तों करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि आई केम, यानी कि ही हैड डन हिज वर्क, वह अपना कार्य कर चुका है बिफोर आई केम, बिफोर माने पहले, आई केम माने मेरे आने से, अर्थात मेरे आने से पहले उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया
था दोस्तों, ये है इसका अनुवाद। जैसे हम एक वाक्य और लिखते हैं दोस्तों, एक वाक्य और लिखते हैं और बचपन से इसको पढ़ते आए हैं दोस्तों, बचपन से ये वाक्य पढ़ते आए हैं जो हम लिखने चल रहे हैं दोस्तों, जो हम लिखने चल रहे हैं उसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो वंस यू आर शेयर वी सी दैट वेरी मिनिमम 15 स्टूडेंट्स आर कम, यू आर टू टारगेट टू कम 15 स्टूडेंट्स मिनिमम। आप सभी को टारगेट करना चाहिए दोस्तों कि कम से कम 15 बच्चे जरूर आए। जैसे कि कल मैं देख रहा था मैथ की महामैराथन क्लास थी और इसमें से मात्र 2 बच्चे देख रहे थे। तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम दोस्तों, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या समस्या हो रही है आपको, टाइम की समस्या, किस चीज की समस्या है जो आप प्रेजेंट नहीं हो पाते क्लास में दोस्त। तो चलिए देखते हैं दूसरा वाक्य, यानी कि चोर के आने से पहले या पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो दोस्तों सुनिए वाक्य, देखिए क्या कह रहा है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अक्सर यही होता है दोस्तों कि पुलिस के आने से पहले ही सब काम समाप्त हो गया रहता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले कौन सा काम हुआ, पहले पुलिस आई कि पहले चोर भागा, आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि पहले पुलिस आई दोस्तों कि पहले चोर भाग गया। तो दोस्तों देख रहा हूं आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए दोस्तों, कमेंट करिए और बताइए कि पहले दोस्तों चोर आए भागेगा कि पहले पुलिस आएगी। तो सेंटेंस से पता चल रहा है दोस्तों चोर भाग चुका था, मतलब चोर भाग गया था और पुलिस बाद में आई दोस्तों, अर्थात पहले कौन सा काम हुआ, चोर के भागने का काम हुआ। और जो काम पहले हुआ रहेगा दोस्तों उसका हम अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, अर्थात दोस्तों इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द थीफ हैड रन अवे, द थीफ हैड रन अवे, चोर भाग चुका था बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने के पहले। अर्थात दोस्तों द थीफ हैड रन अवे, चोर भाग चुका था बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने के पहले। तो दोस्तों देख रहे हैं कि जो पहले के पहले अर्थात बिफोर के पहले जो रहेगा वो परफेक्ट में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में, और बिफोर के बाद जो रहेगा दोस्तों वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। यही हमको एरर करने, मतलब एरर दिया जाता है और उसको करेक्ट करने के लिए आता है। जैसे दोस्तों आगे चर्चा करते हैं एक वाक्य में और वो वाक्य क्या है, देखिएगा क्या है, डॉक्टर के आने से पहले, ये बचपन में दोस्तों पढ़ते थे हम लोग बचपन में पढ़ते थे दोस्तों 6-7 में, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। तो दोस्तों हुआ क्या कि डॉक्टर आया लेकिन उसके पहले ही मरीज मर गया था। तो अर्थात हम देखकर क्या पता कर रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों कि जो भी कार्य पहले हो रहा है, पहले कौन सा कार्य हो रहा है, मरने वाला काम हो रहा है, डॉक्टर के आने का। तो दोस्तों देख रहा हूं मरीज मर चुका था, पहले मरीज मरा था उसके बाद डॉक्टर आया था। और मैंने कहा दोस्तों कि जो कार्य पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पहले करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अर्थात दोस्तों द पेशेंट, तो पेशेंट की स्पेलिंग पेटी इंट होता है दोस्तों, पेशेंट पेटी इंट, द पेशेंट हैड डाइड, और पहले यानी कि बिफोर डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये है दोस्तों, अर्थात बिफोर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो हमने बताया दोस्तों कि बिफोर जहां रहेगा उसके पहले वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा और उसके बाद वाला वाक्य इसमें रहेगा दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए, इफ एनी स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम कमेंट्स ऑन द कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, इफ एनी स्टूडेंट आर प्रॉब्लम्ड दे कैन कंसर्न विथ मी ऑन बोथ प्लेस, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। तो द नेक्स्ट इज
यूज ऑफ आफ्टर। द नेक्स्ट इज यूज ऑफ आफ्टर, मतलब दोस्तों आफ्टर का प्रयोग क्या होगा, देखिएगा, तुम्हारे पढ़ाने के बाद, तुम्हारे पढ़ाने के बाद वह घर चला गया। दोस्तों तुम्हारे पढ़ाने के बाद वह घर चला गया। अब देखिए दोस्तों, तुम्हारे पढ़ाने के बाद वह घर चला गया, तो अब हमने कहा कि जो कार्य पहले हुआ होगा, पहले क्या हुआ, पहले वो मतलब तुम्हारे पढ़ाने के बाद वह घर चला गया, पहले वह घर गया कि पहले पढ़ाया, तो दोस्तों देख रहा हूं पहले पढ़ाया और उसके बाद दोस्तों घर चला गया, तो पहले कौन सा कार्य हुआ होगा दोस्तों, पहले कौन सा कार्य हुआ होगा, पढ़ाने का कार्य हुआ होगा, उसके बाद कौन सा कार्य हुआ होगा दोस्तों, घर जाने का काम हुआ होगा। तो देखिए होता क्या है, मैंने कहा दोस्तों कि अगर आफ्टर रहेगा, अगर आफ्टर रहेगा दोस्तों तो इसके बाद, इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आफ्टर माने बाद होता है, और इसके पहले दोस्तों, इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों अगर यहीं पर बिफोर होता तो बिफोर वाले में बिफोर का मतलब पहले होता है, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पहले करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग बाद में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वह घर चला गया, ही वेंट होम, वह घर चला गया आफ्टर तुम्हारे पढ़ाने के, आफ्टर यू हैड टीच टाट टाट, ठीक, आफ्टर यू हैड टाट, मतलब तुम्हारे पढ़ाने के बाद, यू हैड टाट, तुम्हारे पढ़ाने के बाद ही वेंट टू होम, वह घर चला गया। तो आफ्टर, मैंने कहा दोस्तों आफ्टर का मतलब बाद में, अर्थात इसके बाद जो प्रयोग होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसके पहले जो प्रयोग होगा दोस्तों वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप यही याद रखिएगा, आफ्टर यही याद रखिएगा। जो एरर देता है, जो एरर देता है दोस्तों, एयरफोर्स, एयरफोर्स जो एरर देता है 90 से 92%, 90 से 92% दोस्तों इसी पार्ट में एरर देता है, 90 से 92% दोस्तों इसी पार्ट में एरर देता है, 60% है कि वो इसमें एरर दे दे, नहीं तो मैक्सिमम एरर इसी में देता है। तो जैसे दोस्तों आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं क्या है, सुनिएगा, माता जी के आने के बाद, माता जी के आने के बाद तुमने एक पत्र लिखा, माता जी के आने के बाद तुमने एक पत्र लिखा। तो हमने कहा दोस्तों कि परेशान मत होइएगा, देख रहे हैं यहां पर बाद शब्द आया है, यहां पर दोस्तों बाद शब्द आया है, और बाद का मतलब बाद में, अर्थात बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो पहले देख रहा हूं कि यहां पर पहले कौन सा काम हुआ है, माता जी आई हैं और उसके बाद पत्र लिखा गया है। तो जब ऐसा हो, बाद हो, तो बाद का मतलब बाद में, जो कार्य बाद में होता रहेगा, बाद का मतलब जो कार्य बाद में होगा उसे पहले किया जाएगा, और पहले का मतलब जो काम पहले होगा दोस्तों उसे पहले किया जाएगा। हमने पहले वाले में क्या देखा था कि जो कार्य पहले हो रहा था उसे पहले लिख रहे थे, लेकिन बाद वाले में क्या होगा, जो कार्य बाद में होगा उसे पहले लिखेंगे। तो बाद में कौन सा कार्य हुआ दोस्तों, पत्र लिखने का काम हुआ, अर्थात दोस्तों यू रोट ए लेटर, यू रोट ए लेटर, तुमने एक पत्र लिखा आफ्टर, बाद में, माता जी के आने के बाद, माता जी मतलब द मदर, और हैड कम, माता जी के आने के बाद तुमने एक पत्र लिखा दोस्तों। तो एरर जो दिया जाता है वो यहीं पर दिया जाता है दोस्तों, आफ्टर के बाद वाली क्लाज, आफ्टर के बाद वाली क्लाज रहेगी, उसको बदल दिया जाएगा, उसको बदल दिया जाएगा, किसी और वाक्य में कर दिया जाए, किसी और टेंस में कर दिया जाएगा, और आपको एरर निकालने के लिए कहेगा। तो आप केवल यही याद रखिए, आफ्टर मतलब बाद में होता है, बिफोर मतलब पहले होता है, मतलब बाद वाला मतलब बाद में परफेक्ट टेंस, और पहले वाले मतलब पहले परफेक्ट टेंस। चलिए दोस्तों एक चीज और देखते हैं, ये तो था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में था, एक और देखिए दोस्तों, एक और देखिए जिसमें आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यही रहेगा यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर में ही,
लेकिन दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये भी वही है दोस्तों, ये भी वही है, अगर बिफोर रहेगा दोस्तों, तो बिफोर का मतलब पहले, और पहले परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। और वहीं अगर आफ्टर रहेगा दोस्तों, अगर आफ्टर रहेगा तो आफ्टर का मतलब बाद में, तो इसका मतलब बाद में परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। और पहले इसके किया जाएगा दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैंने कहा दोस्तों कि जो आपको एरर दी जाती है वो इसी पार्ट में दी जाएगी, परफेक्ट वाले में। तो इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप केवल ये जानिए कि अगर आफ्टर का प्रयोग हुआ रहेगा तो आफ्टर मतलब बाद में, इसका मतलब बाद वाली क्लाज आपकी परफेक्ट टेंस में रहेगी। अगर बिफोर का प्रयोग हुआ रहेगा तो बिफोर माने पहले, अर्थात पहले वाली क्लाज जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगी। जैसे एक अनुवाद लिखते हैं, लिखा हुआ है कि मेरे जाने से पहले वह यहां आ चुका होगा। सुनिएगा दोस्तों, मेरे जाने के पहले वह यहां आ चुका होगा। मेरे जाने के पहले वह यहां आ चुका होगा। तो दोस्तों अगर हम बिफोर मिल जाए या फिर पहले शब्द मिल जाए, तो पहले का मतलब जो कार्य पहले हुआ है उसे पहले लिखेंगे। तो देख रहे हैं इसमें, देखिए कौन सा कार्य पहले हुआ है, मेरे जाने के पहले वह यहां आ चुका होगा। मतलब यह हुआ दोस्तों कि पहले वह यहां आएगा और उसके बाद वह जाएगा। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो कार्य पहले हो रहा है, पहले कौन सा कार्य हो रहा है, वह यहां आ चुका होगा। यानी कि दोस्तों ही विल हैव कम हियर, He will have come here, वह यहां आ चुका होगा। He माने वह, will have मतलब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, come मतलब आ, here मतलब यहां। He will have come here, वह यहां आ चुका होगा पहले, यानी कि before, मेरे जाने के before I, अब गलती कहां देंगे दोस्तों पता है, before I went कर देंगे, बिफोर आई वेंट कर देंगे दोस्तों। तो यहीं पर दोस्तों गलत कर देंगे। अर्थात मैंने बताया क्या कि बिफोर रहेगा तो पहले वाला दोस्तों फ्यूचर में रहेगा और उसके इधर वाला दोस्तों प्रेजेंट में रहेगा। तो क्या हो जाएगा, आई वेंट नहीं होगा दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो बिफोर आई गो, यानी कि ही विल हैव कम हियर बिफोर आई गो। ही विल हैव कम हियर मतलब वह यहां आ चुका होगा बिफोर आई गो, मेरे जाने के पहले, यानी कि मेरे जाने के पहले वह यहां आ चुका होगा। जैसे एक वाक्य और लिखता हूं, मेरे पिताजी के यहां आने से पहले, मेरे पिताजी यहां आने से पहले बाजार पहुंच गए होंगे। मेरे पिताजी यहां आने से पहले बाजार पहुंच गए होंगे। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, हम देख रहे हैं पहले का प्रयोग हुआ है। अगर पहले का प्रयोग हुआ रहेगा तो जो कार्य पहले हुआ है वो पहले लिखा जाएगा। तो पहले कौन सा कार्य हुआ है, मेरे पिताजी के यहां आने से पहले बाजार पहुंच गए होंगे। मेरे पिताजी यहां आने से पहले बाजार पहुंच गए होंगे, इसका मतलब पहले कार्य हुआ है बाजार पहुंचने का, कि वह बाजार पहुंच गए होंगे। तो दोस्तों बाजार पहुंच गए होंगे, कौन बाजार पहुंचेगा, पिताजी पहुंचेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों, माई फादर विल हैव, पहुंचना रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म रीच, रीच्ड, रीच्ड,
R E A C H E D. My father will have reached the market before. मेरे पिताजी के यहां आने से पहले before he come here. तो ही है दोस्तों, ही है, और ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ही यहां पर हो जाएगा कम्स हियर, उनके यहां आने से पहले, यानी कि माय फादर विल हैव रीच्ड द मार्केट या रीच्ड टू द मार्केट बिफोर ही कम्स हियर. बिफोर माने पहले, ही कम्स हियर मतलब वह यहां आए. तो मेरे पिताजी के यहां आने से पहले बाजार पहुंच गए होंगे, मतलब मेरे पिताजी यहां आने से पहले वह बाजार पहुंच गए होंगे, यानी कि वह कौन है दोस्तों, यानी कि पिताजी के लिए लिखा गया है. तो यह है दोस्तों यूज ऑफ बिफोर और यूज ऑफ आफ्टर. तो कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए. केवल आप इतना याद रखिएगा, केवल आप इतना याद रखिएगा दोस्तों कि अगर बिफोर रहेगा तो पहले आपका परफेक्ट टेंस प्रयोग किया जाएगा, अगर आफ्टर रहेगा तो बाद में आपका परफेक्ट टेंस प्रयोग किया जाएगा. केवल आप एक चीज याद रखिए बस. मैंने कहा दोस्तों कि हर चीज क्लियर हो जाएगी, हर चीज क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी. एक से दो क्वेश्चन आपका यहां से बनता है दोस्तों, एक से दो प्रश्न आपका यहां से बनता है. तो ये हमने आज पढ़ा दोस्तों यूज ऑफ आफ्टर और यूज ऑफ बिफोर. हमने यूज ऑफ आफ्टर में देखा कि आफ्टर का मतलब बाद में, अर्थात जो कार्य बाद में रहेगा उसे पहले लिखेंगे, और बिफोर का मतलब पहले, अर्थात जो कार्य पहले हुआ रहेगा उसे पहले लिखेंगे. तो दोस्तों ये था हमारा यूज ऑफ आफ्टर और यूज ऑफ बिफोर. कल हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे दोस्तों, कल हम लोग आगे चर्चा करेंगे अगला जो है शुड मस्ट ऑट टू, यानी कि यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ मस्ट और यूज ऑफ ऑट टू, इसका प्रयोग हम लोग कल देखेंगे दोस्तों. तो एक बार जल्दी से आप लोग शेयर करिए, और एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, कमेंट में आइए. यू आर कम टू द कमेंट सेक्शन, यू आर कम टू द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट जय हिंद, एंड कमेंट जय हिंद. नील प्रताप, नितेश कुशवाहा, कम ऑन द कमेंट सेक्शन. विशाल, कम ऑन द कमेंट सेक्शन. शेखर, पीकू, गौरव, चंदन, कम ऑन द कमेंट सेक्शन. भाई बंधु, सुनील, अनुज, शुभम, विमल, राजन, कम ऑन द कमेंट सेक्शन. ऑल पीपल कम ऑन द सेम कमेंट सेक्शन एंड वन शेयर दोस्तों, एक बार शेयर करिए, एक बार शेयर करिए, और जय हिंद लिखिए दोस्तों. अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, हमने बताया था कि अगला टॉपिक हम लोगों का जो स्टार्ट होगा दोस्तों, आइडियम्स एंड फ्रेजेज स्टार्ट होगा. जी हाँ दोस्तों, आइडियम्स एंड फ्रेजेज स्टार्ट होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर लगेगा दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर लगेगा, और पहला लिखा हुआ है, देखिएगा पहला आपकी स्क्रीन पर लिखा है दोस्तों, कह रहा है मैन ऑफ लेटर्स. जी हाँ दोस्तों, मैन ऑफ लेटर्स पहला लिखा है दोस्तों, मैन ऑफ लेटर्स. तो दोस्तों होता क्या है इसका मतलब, मैंने कहा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, अर्थात जो पहले पूछा गया है वही मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों. तो मैन ऑफ लेटर्स, मैन मतलब आदमी, ऑफ मतलब का, लेटर्स मतलब अक्षरों का, अर्थात अक्षरों का आदमी, अक्षर का आदमी है. क्या कभी देखा है आपने दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब पढ़ा लिखा आदमी. क्या हुआ दोस्तों, पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी दोस्तों. या फिर एक होता है दोस्तों, देखिए जैसे ऑप्शन में लिखा है कि ए पर्सन हु राइट लेटर्स, एक आदमी हु माने जो राइट्स मतलब लिख सकता है, लेटर मतलब अक्षर, एक आदमी जो अक्षर लिख सकता है, क्या उसे कहेंगे मैन ऑफ लेटर्स. या फिर दोस्तों ए पर्सन हु रिसीव्स लेटर्स, एक आदमी जो पत्र को प्राप्त करता है उसे कहेंगे. या फिर दोस्तों एन इलिटरेट पर्सन, देखिए दोस्तों ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इलिटरेट. और इलिटरेट का मतलब दोस्तों क्या होता है, इलिटरेट का मतलब होता है दोस्तों अनपढ़ व्यक्ति. इलिटरेट का मतलब होता है दोस्तों टीई है आई आई डबल एल आई टीई आर ए टीई. इलिटरेट का मतलब होता है दोस्तों अनपढ़, मतलब दोस्तों जो अनपढ़ हो, जो लिखना ना जानता हो, उसे कहते हैं दोस्तों इलिटरेट.
लेकिन यहां पर है दोस्तों पढ़ा लिखा आदमी, अर्थात ऑप्शन नंबर चार जो होगा वो सही हो जाएगा, ए लर्नड पर्सन। ए लर्नड पर्सन का मतलब होता है दोस्तों पढ़ा लिखा आदमी, अर्थात पहले का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, पूरा idioms एंड फ्रेज में कवर करूंगा आज, कम से कम 25-30 तो करा ही दूंगा। दो पार्ट में आपका idioms एंड फ्रेज होगा, उसके बाद एक दिन मैराथन लेकर आऊंगा जिसमें आपका 100 idioms फ्रेज, 100 word, 100 एंटोनिम, 100 synonym वो पूरा कवर कराया जाएगा दोस्तों। तो देख रहा हूं पहले का ऑप्शन चार हो जाएगा, उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है दोस्तों आल ग्रीक, जी हाँ दोस्तों, अगला लिखा हुआ है दोस्तों आल ग्रीक, देखिएगा आल ग्रीक। तो दोस्तों आल ग्रीक का मतलब क्या हुआ, अगर अभी कोई चीज मैं ग्रीक भाषा में लिख दूं, ग्रीक भाषा दोस्तों मुझे भी नहीं आती, ग्रीक भाषा मुझे भी नहीं आती, अगर मैंने ऐसे लिख दिया या फिर इस तरह नहीं दोस्तों, अगर ऐसे लिख दिया दोस्तों, अब आप बताइए क्या इसको पढ़ सकते हैं, मैं भी नहीं पढ़ सकता, पता नहीं क्या लिख दिया मैं भी नहीं पढ़ सकता, पता नहीं क्या लिख दिया दोस्तों, क्या आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों इसे, अर्थात दोस्तों आल ग्रीक का मतलब क्या हुआ कि जो समझ में ना आए, जी हां दोस्तों आल ग्रीक का मतलब होता है जो समझ में ना आए, जी हां दोस्तों जो समझ में ना आए दोस्तों उसे कहते हैं आल ग्रीक, मतलब सब कुछ ग्रीक भाषा में लिखा है, कोनो चीज पल्ले परती नहीं ना। तो दोस्तों वही चीज है जो समझ में ना आए, मतलब दोस्तों इसी की एक वर्ड और लिख सकते हैं दोस्तों इंटेलिजिबल, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा होगा दोस्तों INTELLIGIBLE, तो इंटेलिजिबल लिखा हुआ है दोस्तों, इंटेलिजिबल लिखा हुआ है, और इंटेलिजिबल का मतलब होता है दोस्तों जो समझ में आई, तो दोस्तों अर्थात कुछ लोगों की राइटिंग इतनी अच्छी होती है दोस्तों, इतनी अच्छी होती है कि उसको मन करता है कि देखते रहो, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों की राइटिंग ऐसी होती है दोस्तों, अर्थात दोस्तों अनइंटेलिजिबल और अनइंटेलिजिबल का मतलब भी होता है दोस्तों जो समझ में ना आए, अर्थात कुछ लोगों की राइटिंग तो इतनी अच्छी होती है कि जो अगर देख लो तो मन करे देखता ही रह जाओ, और कुछ लोगों की राइटिंग ऐसी होती है दोस्तों उसको या तो वो पढ़ सकता है या तो खुदा पढ़ सकता है, या तो खुद पढ़ सकता है या तो खुदा पढ़ सकता है, इन दो के अलावा उसको तीसरा कोई नहीं समझ सकता। जैसे डॉक्टर जैसे डॉक्टर डॉक्टर की राइटिंग कंपाउंडर समझ सकता है, कंपाउंडर मेडिकल स्टोर वाला समझ सकता है, और मेडिकल स्टोर वाले की राइटिंग डॉक्टर समझ सकता है, क्या हम लोग समझ जाते हैं क्या डॉक्टर क्या लिखे। तो वही चीज है दोस्तों, कुछ लोगों की राइटिंग जो होती है वो इंटेलिजिबल होती है, अर्थात जो समझ में आए बहुत अच्छी लिखी होती है, और कुछ लोगों की राइटिंग जो है अनइंटेलिजिबल होती है, जो कि समझ में ही नहीं आती। तो वही चीज है आल ग्रीक का मतलब जो समझ में आए, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टोटली अनइंटेलिजिबल, या फिर जो पूरी तरह से समझ में आए, तो अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों तीसरे वर्ड पर, ए लाइव वायर, जी हाँ दोस्तों ए लाइव वायर, ए लाइव वायर का मतलब हुआ क्या, वायर का मतलब होता है तार, लाइव लाइव मतलब जीवित तार, जीवित तार का मतलब क्या है दोस्तों, अर्थात जिसमें करंट दौड़ रहा हो, जिसमें करंट दौड़ रहा हो, किड़बिक 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 करंट चल रहा हो उसे कहेंगे लाइव वायर। और लाइव वायर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, लाइव वायर का मतलब वह कि ऊर्जावान व्यक्ति, जी हाँ दोस्तों एक्टिव पर्सन, माई ऑल स्टूडेंट्स विच आर सीन द सेशन दे आर एक्टिव, दे आर एक्टिव, दे आर लाइव वायर्ड, जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं जो सेशन को देख रहे हैं वो सभी एक्टिव हैं, वो सभी सक्रिय हैं, तो अर्थात दोस्तों ए लाइव वायर का मतलब होता है सक्रिय व्यक्ति, या फिर दोस्तों आगे देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए पर्सन मतलब एक आदमी, हु माने जो, इज माने है, फुल ऑफ एनर्जी ऊर्जा से भरा हुआ, अर्थात दोस्तों लाइव वायर की तरह करंट दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है शरीर में, तो वही चीज है दोस्तों ए लाइव वायर का मतलब हुआ ए पर्सन हु इज फुल ऑफ एनर्जी, एक आदमी जो एनर्जी से भरा हुआ हो उसे कहेंगे लाइव वायर। आगे चलते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, चौथा क्या कह रहा है सुनिएगा, चौथा दोस्तों लिखा है कि राइटिंग ऑन द वॉल, जी हां दोस्तों राइटिंग ऑन द वॉल,
राइटिंग मतलब लिखना, ऑन द वॉल मतलब कि दीवार पर, और दीवार पर लिखना दोस्तों, जी हाँ दीवार पर लिखना दोस्तों, और दीवार पर लिखना मतलब क्या हुआ दोस्तों, दीवार पर लिखने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, दीवार पर लिखने का मतलब देखिए कभी कभी दीवारों पर चित्रकारी की जाती है, दीवारों पर चित्रकारी की जाती है अर्थात उसमें चित्र बनाए जाते हैं। जैसे कभी अयोध्या में अगर भी आप जाइए तो वहां पर देखिए हर दीवार को रंग दिया गया है, हर दीवार पर चित्र बना दिया गया है। उसी तरह प्रयागराज में देखिए दोस्तों कुंभ मेला जब था तो दीवारों को पेंट करवाया गया था, हर दीवार पर एक चित्रकारी की गई है, एक से एक चीजें बनाई गई है दोस्तों। तो वही चीज है दोस्तों राइटिंग ऑन द वॉल, या फिर उसे ही कहते हैं दोस्तों ग्रेफिटी। जी हाँ दोस्तों जी आर ए WFITY ग्रेफिटी अर्थात दोस्तों दीवारी चित्रकारी, दीवार चित्रकारी अर्थात दीवार पर जो चित्रकारी की जाती है उसे ग्रेफिटी कहते हैं या फिर राइटिंग ऑन द वॉल कहते हैं दोस्तों। अर्थात चौथे का जो सही हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए उसका सही हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करें, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, जय हिंद लिखे अगर समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा हो जय हिंद लिखे दोस्तों। देख रहा हूं बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, लेकिन जो भी देखेंगे दोस्तों उनको समझ में आएगा और वो क्वालिफाई करेंगे, वो क्वालिफाई करेंगे। जो नहीं देखे उनके लिए परेशान मत होइए, जो नहीं देखे हैं दोस्तों ऐसे ही वो सब 10 साल वालों में से हैं जो 10 साल पढ़ते हैं, उसके बाद तब जाके कहीं तुक्का लग जाता है तो किस्मत में आ जाती है नौकरी, नहीं तो नहीं आती दोस्तों। जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को जॉब मिलेगी, याद रखिएगा जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को जॉब मिलेगी और निश्चित ही जॉब मिलेगी। आगे चलते हैं दोस्तों पांचवे पर चलते हैं, क्या लिखा है देखिएगा, पांचवा लिखा है दोस्तों ए फूल्स, पांचवा लिखा है दोस्तों ए फूल्स पैराडाइज। जी हां दोस्तों पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब होता है दोस्तों आनंद, आनंद खुशियों से भरा हुआ। तो ए फूल्स पैराडाइज, एक मूर्ख का, एक मूर्ख का आनंद क्या है दोस्तों, एक मूर्ख का आनंद क्या है अर्थात दोस्तों पैराडाइज ऑफ इडियट्स, टू लिव इन द पास्ट, टू हैव हैप्पी ड्रीम्स मतलब कि कोई खुशी वाला स्वप्न देख लो, या फिर मूर्खों का आनंद, या फिर टू लिव इन द पास्ट बीते हुए समय में जीवित रहना जीना, या फिर दोस्तों ए स्टेट ऑफ इल्यूशनरी हैप्पीनेस। जी हां दोस्तों ए स्टेट ऑफ इल्यूशनरी हैप्पीनेस इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात ए स्टेट ऑफ इल्यूशनरी हैप्पीनेस इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब है। और आपका होमवर्क दोस्तों, आपका होमवर्क है ILLUSARY इल्यूशनरी का अर्थ क्या होता है, आप लोग ऑफलाइन कमेंट करिएगा और बताइएगा कि इल्यूशनरी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गूगल से सर्च कीजिएगा, डिक्शनरी में देखिएगा, हर जगह से देख के आप बताइएगा कि इल्यूशनरी का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों वर्ड नंबर 6, और देख रहा हूं बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं, एक बार दोस्तों अपनी संख्या मेंटेन कीजिए, एक बार अपनी संख्या मेंटेन कीजिए और एक बार फेसबुक पर शेयर कीजिए, एक बार आप सब फेसबुक पर शेयर करिए दोस्तों, एक बार फेसबुक पर शेयर करिए, तब मैं जो है तब मैं एक सारी सुनाता हूं दोस्तों, एक बार शेयर करिए आप लोग, एक बार शेयर करिए दोस्तों। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है, अंदर तो आप हैं बाहर कौन है, अंदर तो आप हैं बाहर कौन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप सभी हमारे दिल के अंदर रहते हैं, तो आप सभी के लिए ये शायरी हमने जो है बताई आपको, और ये शायरी मशहूर शायर, मशहूर शायर जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, राहत इंदौरी साहब की थी। क्या थी दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिएगा, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है, अंदर तो आप हैं बाहर कौन है, अंदर तो आप हैं बाहर कौन है। तो ये सारी अच्छी हो दोस्तों तो एक बार लाइक करिए, जय हिंद लिखिए दोस्तों, अच्छी हो दोस्तों तो एक बार जय हिंद लिखिए और लाइक करिए दोस्तों, देख रहा हूं लाइक भी बहुत कम है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने कहा दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, मैथ का मैंने पढ़ाया कल महामैराथन क्लास, जो नहीं देखे उनका दुर्भाग्य है, जो देखे होंगे उनको मजा जरूर आएगी। मैंने दोस्तों उसमें भी, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग टाइप से मत पढ़िए, एकदम आनंद से पढ़िए, मजा ले लेकर पढ़िए दोस्तों, क्लियर रहेगा, समझ में आएगा, याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप वही भी अभी मैं 1 घंटा लगातार बग 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 करता रहूं दोस्तों, तो आगे पता नहीं कहां से आ गया बड़बड़ाता,
तो दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी कंटिन्यू मत पढ़िएगा, एक घंटा पढ़िए, कुछ देर रेस्ट, फिर पढ़िए, फिर रेस्ट, इस तरह पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, कभी भूलेगा नहीं। आगे चलते हैं अगले वर्ड पर, लिखा है निप इन द बड। जी हाँ दोस्तों, निप इन द बड, निप इन द बड। जी हाँ दोस्तों, निप इन द बड का मतलब क्या हुआ, निप इन द बड का मतलब क्या हुआ कि देखिए दोस्तों, कोई चीज हो, ठीक, कोई चीज हो दोस्तों और वो अभी निकल ही रही हो, कोई चीज हो वो अभी निकल ही रही हो और उसे तोड़ दिया जाए। मतलब कोई गुलाब का फूल है, मान लीजिए अभी वो कली बनी है, अभी वो खिला नहीं है और आप उसको तोड़ दिए दोस्तों, आप उसको तोड़ दिए तो क्या वो कभी खिल सकता है दोस्तों? आप जो फूल तोड़ दिए क्या वो कभी खिल सकता है दोस्तों? नहीं खिल सकता। मतलब क्या हुआ दोस्तों, पहला लिखा है डिस्ट्रॉय इन द बिगनिंग, डिस्ट्रॉय मतलब समाप्त कर देना, इन द बिगनिंग मतलब शुरुआत में ही, अर्थात दोस्तों निप इन द बड, निप इन द बड का मतलब होता है दोस्तों शुरू में ही खत्म कर देना, शुरू में ही नष्ट कर देना, शुरू में ही नष्ट कर देना दोस्तों, या फिर निप इन द बड, निप इन द बड दोस्तों शुरू में ही खत्म कर देना। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, सातवें पॉइंट पर चलते हैं, और सातवां क्या है देखिएगा, ए मैन ऑफ एक्स्ट्रा। जी हाँ दोस्तों, ए मैन ऑफ एक्स्ट्रा, अब एक वर्ड देख लीजिए दोस्तों, ए मैन ऑफ एक्स्ट्रा, और दोस्तों एक्स्ट्रा का मतलब होता है, एक्स्ट्रा का मतलब होता है दोस्तों तिनका या फिर दोस्तों भूसा। एक था दोस्तों क्लास टेंथ में जब युधिष्ठिर वाला पढ़े थे, एक युधिष्ठिर वाला पढ़े थे तो उसमें था दोस्तों कि तिनके से, एक सूखे तिनके से भी हल्का क्या है, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे तिनके से भी हल्का क्या है दोस्तों? तो आप जो है उसका जवाब दीजिएगा कि एक सूखे तिनके से भी हल्का क्या है। तब तक मैं आपको इसका जवाब देता हूं, ए मैन मतलब एक आदमी, ऑफ स्ट्रा मतलब भूसे से बना हुआ, तिनके से बना हुआ, और तिनके से बना हुआ अगर कोई व्यक्ति है दोस्तों तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, अर्थात वो बेकार है, किसी काम का नहीं है दोस्तों। अर्थात ए मैन विथ नो मीन्स ए जेनरस मैन, ए मैन ऑफ करेक्टर एंड ए मैन ऑफ नो सबस्टांसेज, ए मैन मतलब एक आदमी, ऑफ नो सबस्टांसेज, जिसका कोई कार्य ना हो दोस्तों, जिसका कोई कार्य ना हो, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए मैन ऑफ ड्राइड स्ट्रा का मतलब हुआ दोस्तों महत्वहीन व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, महत्वहीन व्यक्ति, ए मैन ऑफ ड्राइड स्ट्रा का मतलब हुआ कि महत्वहीन व्यक्ति, या फिर दोस्तों एक आदमी जिसकी कोई कीमत ना हो। आगे देखते हैं दोस्तों अगला वर्ड, और अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर लिखा है टू कैच ए ट्रेटर। जी हाँ दोस्तों, टू कैच ए ट्रेटर, और या फिर दोस्तों आप पढ़ सकते हैं टू कैच ए टार्टर। जी हाँ दोस्तों, स्पेलिंग है इसकी टी ए आर टी ई आर, देखिए ए मैन ऑफ टार्टर। जी हाँ दोस्तों, टी ए आर टी ई आर, और आपका दोस्तों एच डब्ल्यू अर्थात होमवर्क नंबर दो है कि आप इसकी मीनिंग, इसका अर्थ आप ढूंढ के ऑफलाइन कमेंट करिएगा, इसका अर्थ आप ढूंढ के डिक्शनरी में, गूगल पे, चाहे जहां दोस्तों ऑफलाइन कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा कि टार्टर का मतलब क्या हुआ दोस्तों। तब तक हम आपको बताते हैं कि इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टू कैच ए डेंजरस पर्सन, टू मीट विथ डिजास्टर, टू मेक ए डील, टू हरी अप, टू हरी अप मतलब जल्दी करना, टू मेक ए डील का मतलब कि कोई डील करना, और आगे है दोस्तों टू मीट विथ डिजास्टर, और वही पहला है दोस्तों टू कैच ए डेंजरस पर्सन, टू कैच मतलब पकड़ना या मिलना, ए डेंजरस पर्सन किसी खतरनाक आदमी से मिलना। तो सही है दोस्तों, ए मैन ऑफ टार्टर का मतलब है दोस्तों किसी खतरनाक आदमी से मिलना, किसी खतरनाक आदमी से मिलना। तो दोस्तों किसी खतरनाक आदमी से मिलना, अर्थात ए मैन ऑफ टार्टर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। वर्ड देखने के पहले एक बार जल्दी से आप लोग शेयर करिए दोस्तों, एक बार शेयर करिए, और हमने कहा कि आज जितने भी idioms and phrases आए हैं दोस्तों, आज कम से कम हम लोग दोस्तों 20 से 25 idioms and phrases तैयार करेंगे, आज कम से कम 20 से 25 idioms and phrases तैयार करेंगे दोस्तों, और लाइव देखने से आपको मैक्सिमम idioms and phrases याद हो जाते हैं। लाइव अगर देख लेंगे आप, एक बार लाइव देख लीजिए, अभी एक बार देख लीजिए, और एक बार दोस्तों कल देख लीजिएगा,
तो जब 2 दिन आप देख लेंगे यही चीज, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, 100% तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले वर्ड पर चलते हैं, और अगला वर्ड क्या है देखिएगा, नवा। नवा क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है टू हैव एन एक्स टू ग्रिड। जी हाँ दोस्तों, ग्रिंड लिखा है, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। मतलब क्या हुआ दोस्तों, टू हैव मतलब पास होना, एन एक्स एक कुल्हाड़ी, टू ग्रिंड। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक कुल्हाड़ी पास में होना, अर्थात दोस्तों टू ग्रिंड मतलब अपने पास एक कुल्हाड़ी होना, अर्थात अपना इरादा मजबूत होना, अर्थात अपने बल पर डिपेंड रहना, ये सारी चीजें। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, टू हैव ए स्ट्रांग पर्सनल ओपिनियन, मतलब अपनी, देखिए वर्ड क्या है, टू हैव, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, और इसका मतलब है दोस्तों अपनी बात पर टिके रहना, या फिर दोस्तों अपनी बात पर कायम रहना, या फिर दोस्तों टू हैव स्ट्रांग पर्सनल ओपिनियन, अपना खुद का जो ओपिनियन है, जो मतलब कि कथन है, उसी पर टिके रहना दोस्तों। अर्थात नौवे का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, नौवे का जो सही ऑप्शन होगा वो पहला हो जाएगा, टू हैव ए स्ट्रांग पर्सनल ओपिनियन, टू हैव ए स्ट्रांग पर्सनल ओपिनियन, टू हैव ए पर्सनल स्ट्रांग ओपिनियन, मतलब अपनी बात पर, अपनी बात पर टिके रहना, अपनी बात पर टिके रहना दोस्तों, तो वही है टू हैव ए स्ट्रांग पर्सनल ओपिनियन। आगे चलते हैं दोस्तों, दसवें वर्ड पर चलते हैं, दसवें वर्ड पर चलते हैं, और क्या है देखिएगा, दसवें वर्ड पर चलते हैं और क्या कह रहा है देखिएगा दसवां वर्ड, टू प्ले सेकेंड फिडल। जी हाँ दोस्तों, इसको मैंने करवाया भी था सुबह वाली क्लास में, टू प्ले सेकेंड फिडल का मतलब क्या हुआ, आप लोग कमेंट करिए तब तक, टू प्ले सेकेंड फिडल, टू प्ले सेकेंड फिडल, टू पे सेकेंड फिडल, यस ई सी ओ एन डी, टू प्ले सेकेंड फिडल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कमेंट करिए, हमने बताया था टू प्ले सेकेंड फिडल का मतलब हुआ दोस्तों दूसरे स्थान पर रहना, दूसरे स्थान पर रहना दोस्तों, या फिर दोस्तों कि दूसरे का रोल अदा करना। तो जैसे वर्ड देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से लेंगे, टू बी हैप्पी चीयरफुल एंड हेल्दी। टू बी हैप्पी माने प्रसन्न रहना, चीयरफुल ताजगी, ताजगी से भरा रहना, एंड हेल्दी मतलब स्वस्थ रहना, अर्थात ये होगा नहीं दोस्तों। टू रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ ऑन वंस सीनियर, टू रिड्यूस मतलब कम करना, इंपॉर्टेंस मतलब अहमियत, ऑफ वंस सीनियर्स किसी बड़े व्यक्ति का इंपॉर्टेंस कम करना, ये भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों। चौथा लिखा है टू डू बैक सीट ड्राइविंग, टू डू बैक सीट ड्राइविंग मतलब होता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक idioms और लिख लीजिए दोस्तों, ये उसमें आपको मिलेगा नहीं, बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है दोस्तों गैर जरूरी सलाह देना, गैर जरूरी सलाह देना, गैर जरूरी सलाह देना, या फिर दोस्तों बैक सीट ड्राइवर, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपको इसमें नहीं मिलेगा, ये आपको किसी और दिन जब मैराथन आपकी चलेगी 100 वर्ड उसमें आपको ये मिल सकता है। तो दोस्तों इसका पहले देख लीजिए, टू बैक सीट ड्राइवर का मतलब गैर जरूरी सलाह देना, और इसका टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है दोस्तों दूसरे स्थान पर रहना। तो ऑप्शन हम देख रहे थे, टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, टू सपोर्ट द रोल मतलब किसी की अभिव्यक्ति का सपोर्ट करना, सहयोग करना, व्यू ऑफ अनदर पर्सन और दूसरे व्यक्ति की देख करना, मतलब दूसरे व्यक्ति के स्थान पर कार्य करना। जी हाँ दोस्तों, टू प्ले सेकंड फिडल, देखिए टू प्ले मतलब खेलना, सेकंड फिडल दूसरे के स्थान पर, अर्थात दूसरे के स्थान पर खेलना, या फिर दोस्तों दूसरे स्थान पर रहना, तो जो भी रहेगा वही हो जाएगा टू प्ले सेकंड फिडल, और ऑप्शन में आपका इंग्लिश लिखा हुआ है, आप वहां से लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये था 10 वर्ड दोस्तों, आगे हम लोग चलेंगे तो 11वें वर्ड पर क्या है देखिए, टू गो टू द वॉल। जी हां दोस्तों, टू गो टू द वॉल,
टू गो माने चले जाना, टू द वॉल मतलब दीवार पर, दीवार पर चले जाना मतलब क्या हुआ दोस्तों, दीवार पर चले जाना का मतलब क्या हुआ, देखिएगा होता क्या है दोस्तों, होता क्या है कि एक फोटो जो है, एक फोटो दीवार पर टांग दी जाती है और टांगने के बाद उस पर माला डाल दिया जाता है, मतलब दोस्तों वो आदमी क्या हुआ, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, रुंड हो गया। तो वही चीज दोस्तों, टू गो टू द वॉल का मतलब होता है दोस्तों नष्ट हो जाना। जी हाँ दोस्तों, नष्ट हो जाना। और एक था दोस्तों टू राइट ऑन द वॉल, तो टू राइट ऑन द वॉल हमने अभी ही बताया पहले वाले मतलब इसी के पहले दोस्तों बताया हमने, टू राइट द वॉल मतलब दीवार चित्रकारी करना, दीवार पर चित्र बनाना। उसी तरह दोस्तों दूसरा हमने बताया टू गो टू द वॉल, दीवार पर चले जाना मतलब नष्ट हो जाना, और नष्ट हो जाना का मतलब टू बी रुइंड, टू बी रुइंड, टू बी रुइंड का मतलब होता है दोस्तों बर्बाद हो जाना या फिर नष्ट हो जाना। वहीं अगर हम अगले वर्ड पर चलें दोस्तों, अगले वर्ड पर चलें तो देखिएगा टू हिट द नेल ऑन द हेड। जी हाँ दोस्तों, टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट माने मारना, द नेल मतलब, नेल मतलब कील होता है, एन ए आई एल, नेल मतलब कील होता है, कुछ लोग नाखून भी बोलेंगे, नेल माने नाखून, तो परेशान मत होइएगा दोस्तों, इंग्लिश में एक वर्ड की कई मीनिंग होती है। तो टू हिट माने मारना, द नेल अर्थात कील मारना ऑन द हेड, शरीर सिर पर, तो सिर पर कील मारना अर्थात जब आप कुछ करते रहते हैं और आ जाता है तो क्या करते हैं, गजब, गजब ऐसे करते कि नहीं दोस्तों, गजब आएगा। तो वही चीज है, टू हिट द नेल मतलब सिर पर कील मारना, कील मारना मतलब राइट आंसर दे देना। फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर मतलब हुआ दोस्तों कि टू हिट द नेल ऑन हेड, शरीर पर या सिर पर कील मारना। तो वही है दोस्तों, टू हिट द नेल ऑन द हेड। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए, कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। आगे चलते हैं दोस्तों, हेलिकॉन डेज। जी हाँ दोस्तों, हेलिकॉन डेज देखिएगा, हाँ 13 नंबर यही है, हेलिकॉन डेज, या फिर दोस्तों इसी के एक वर्ड और है जिसको बोलते हैं गैला डे, या फिर दोस्तों एक वर्ड और है, एक वर्ड और है, और वो है दोस्तों, वो है ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे। तीनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों, तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हेलिकॉन डेज। हेलिकॉन डेज का मतलब होता है दोस्तों हैप्पी डेज, खुशी दिन, प्रसन्नता वाला दिन, हैप्पी डेज, हैप्पी डेज कोई प्रसन्न पूर्व, प्रसन्नता वाला दिन, कोई खुशी का दिन, वही कहलाता है दोस्तों हेलिकॉन डेज। तो ये वर्ड थे 13, और आगे चलते हैं दोस्तों 14वें पे, टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, टू कीप मतलब रखना, द वॉल्फ मतलब भेड़िया, फ्रॉम द डोर मतलब दरवाजे पर, दरवाजे पर भेड़िया रखना मतलब दोस्तों उतना ही पैसा कमाना जितने में आपका गुजारा हो जाए। वही है दोस्तों टू कीप द वॉल्फ From the door मतलब उतना पैसा कमाना जितने में गुजारा हो जाए। To have enough money to avert hunger or starvation, तो वही चीज है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, टू कीप द वॉल्फ, टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर मतलब घर पर भेड़िया पाना अर्थात उतने ही पैसे कमाना जितने में आपका गुजारा हो जाए। तो दोस्तों आखिरी वर्ड देखते हैं, आखिरी वर्ड देखते हैं दोस्तों, ऑल एगॉग। जी हाँ दोस्तों, ऑल एगॉग, और ऑल एगॉग का मतलब होता है तो खुश होना, प्रसन्न होना, एक्साइटेड होना मतलब एकदम खुश हो जाइए। तो वही है ऑल एगॉग, एक्साइटेड रहिए, प्रसन्नता पूर्वक। देखिए बच्चे जब आते हैं सड़क से तो लात पैर इधर उधर मारते, छुट्टी होती है, जब छुट्टी होती है देखिए दोस्तों बच्चे कितने प्रसन्नता से आते हैं, कितने खुश होकर आते हैं, पैर वैर इधर उधर झटका पटका मारते मुड़ते आते रहते हैं। तो वही चीज है दोस्तों, क्या ऑल एगॉग, ऑल एगॉग मतलब दोस्तों प्रसन्न एवं उत्तेजित होना, प्रसन्न एवं उत्तेजित होना, ऑल एगॉग, या फिर फुल ऑफ इंटरेस्ट,
and excitement, full of एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट, आनंद और उत्तेजना से भरा होना, या फिर दोस्तों ऑल एगोग, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये थे आज के वर्ड दोस्तों, ये थे आज के वर्ड। आज हमने 15 वर्ड देखे दोस्तों, 15 वर्ड देखे, अभी कुछ वर्ड और हैं दोस्तों जी, लेकिन उस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हमने कहा दोस्तों इसका पार्ट टू भी लाएंगे हम, तो पार्ट वन हमने देखा आज दोस्तों। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका वोकैबुलरी है, और 10 मिनट बाद आपकी वीडियो प्राइवेट कर दी जाएगी। जो बच्चे बाद में जुड़े हो दोस्तों वो जरूर देख लें, एक बार बैक करके फिर से देख लीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, और याद रखिएगा शाम को, आज शाम को जो आपकी नई क्लास चल रही है, चलेगी आरकेवाई सर की, उसको आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें आपको कवर कराया गया है। ठीक, तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।